शाह महमूद, जैन कुरैशी और दीगर के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर जवाब तलब। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 214 से PTI उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी और इसी हल्के से उनके बेटे जैन कुरैशी की अपील पर इलेक्शन कमीशन आर और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। ट्रिब्यूनल ने NA 238 से PTI उम्मीदवार हलीम आदिल शेख, NA 241 पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग और NA 234 से MQM उम्मीदवार सादिक इख्तियार की अपील पर भी रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके अलावा NA 241 से PTI उम्मीदवार अरसलान खालिद की अपील पर भी नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने इलेक्शन कमीशन और दीगर से 5 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। आपको मजीद आगाह करें, आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए इन उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने पर रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं।